Hello, my dear kids. Welcome back to the Brain Root series by Amit Publishing House. I am Vandana and we are learning grammar, class 7. This is a book, Grammar, Glitter, Odyssey. And today we are going to start with chapter number 7. And the name of the chapter is Simple Tenses. So yes, we are going to learn about some tenses over here. In this chapter, we are going to learn about present, past and future tense. You have learned that in a sentence, the form of a verb indicates the time when then action is taking place. तो आपने पढ़ा होगा कि किसी भी सेंटेंस में किसी भी काम होने के टाइम के बारे में बात की जाती है, काम कब हो रहा है. Therefore, we say that what there are थ्री टेंसेज ऑफ अ वर्ब. वर्ब के थ्री टेंसेज होते हैं, द प्रेजेंट जो अभी की बात कर रहा है, द पास्ट जो पहले की बात कर रहा है, एंड द फ्यूचर जो टाइम आने वाला है. दीज टेंसेज आर फर्दर सब डिवाइडेड. अब इन्हीं टेंसेज को आगे जाके और ज़्यादा डिवाइड कर दिया गया है. लेट्स नाउ लुक एट द सिंपल टेंसेज. चलिए जल्दी से सिंपल टेंसेज को देखते हैं. सिंपल प्रेजेंट टेंस, सिंपल पास्ट टेंस एंड सिंपल फ्यूचर टेंस. सिंपल प्रेजेंट टेंस को हम प्रेजेंट इनडेफिनाइट टेंस भी कहते हैं. एंड इट इज डिवाइडेड इनटू थ्री पार्ट्स, अफर्मेटिव, नेगेटिव एंड इंटरोगेटिव. अफर्मेटिव को हम पॉजिटिव भी कहते हैं. सेकेंड इज नेगेटिव, नेगेटिव सेंटेंसेस को कहते हैं यहाँ पे. और इंटरोगेटिव जिसमें हम क्वेश्चन पूछ रहे हैं. तो इसका जो मेन आप कह सकते हो रूल है वो है सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस या फिर यस लगाना है एंड देन वी हैव टू कॉम्प्लीमेंट. नेगेटिव फॉर्म में अगर कंप्ली वी हैव टू चेंज तो हमें सब्जेक्ट लिखना है, उसके साथ हमें डू या फिर डज लगाना है, प्लस नॉट लगाना है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एंड देन कॉम्प्लीमेंट. इंटरोगेटिव में है तो डू या डज जो है स्टार्टिंग में चला जाएगा, फिर सब्जेक्ट आएगा, प्लस नॉट लगेगा, प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एंड देन कॉम्प्लीमेंट. क्वेश्चन वर्ड आ सकता है, फिर डू डज आ सकता है, फिर सब्जेक्ट आएगा, नॉट आएगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एंड देन कॉम्प्लीमेंट. सो योर सब्जेक्ट, सब मीन सब्जेक्ट, वी वन इज फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब एंड क्यू डब्ल्यू इज क्वेश्चन वर्ड. सिंपल प्रेजेंट टेंस इज यूज. सिंपल प्रेजेंट टेंस को कैसे यूज करते हैं. फर्स्ट ए सेज When we talk about something which happens regularly or in habit, जब हम किसी habit की बात करें या किसी ऐसी चीज़ की बात करें जो daily हो रहा है. For example, he drinks milk twice every day. वो रोज़ पानी रोज़ milk पीता है और twice means दो बार पीता है. तो ये जो काम है drink करने का ये daily हो रहा है, तो he के साथ हमने drinks लगाया है. I always take milk without sugar. So यहाँ पर भी जो take है मीन्स ऐसा बताया जा रहा है कि मिल्क जो लिया जा रहा है वो बिना शुगर के हम डेली लेते हैं. सो दीज टॉक अबाउट डेली हैबिट्स. सेकेंड पॉइंट सेज टू एक्सप्रेस जनरल और यूनिवर्सल ट्रुथ. यूनिवर्सल ट्रुथ की बात हो रही है तो भी हम सिंपल प्रेजेंट टेंस यूज करते हैं. मैन इज मॉर्टल एंड द सन राइजेज इन द ईस्ट. दीज आर द टू एग्जाम्पल्स. थर्ड पॉइंट सेज टू एक्सप्रेस एन एक्शन विच इज ट्रू एट प्रेजेंट. ऐसे एक्शन को एक्सप्रेस करना जो अभी के वक्त क्या है, ट्रू है. द ट्रेन स्टॉप्स एट इट्स स्टेशन, ये ट्रू है. शी टीचेस इंग्लिश इन अ स्कूल, ये भी क्या है, ट्रुथ है. सो इन सारे में आप देख सकते हो वी हैव यूज सिंपल प्रेजेंट टेंस. नाउ डी टू एक्सप्रेस फ्यूचर एक्शंस प्लान्ड इन एडवांस. फ्यूचर के एक्शंस जो पहले ही हम प्लान कर चुके हैं ऐसी चीज़ों के लिए भी, ऐसे टाइम के लिए भी हम सिंपल प्रेजेंट टेंस यूज़ करते हैं. स्पेशली कंसर्निंग टू जर्नी और प्रोग्राम, किसी जर्नी की बात हो रही है या फिर किसी प्रोग्राम की. द ट्रेन अराइव्स एट द स्टेशन एट 9 PM या फिर स्कूल्स क्लोज इन मे फॉर समर वेकेशन एंड री ओपन इन जुलाई. नेक्स्ट इज टू इंट्रोड्यूस कोटेशंस विद द वर्ब से. तो से जो वर्ब है हमारे इसके साथ कोटेशंस को ऐड करना. जैसे से है अब यहाँ पे क्वेश्चन मार्क स्टार्ट हो गया है. द नोटिस सेज नो पार्किंग.
Kate says, a thing of beauty is a joy forever. Now children, let's move on to exercise. Fill in the blanks with the present form of the given verbs in the bracket. Ravi dashed to school daily. So Ravi goes. Do children play cricket? So it will be play here. I often help my mother in washing the clothes. I often help. Mrs. Sharma teaches us English. Teaches. So like this, children, complete the rest of the questions that are given you. Now let's learn about simple past or past indefinite tense. तो simple past को ही past indefinite tense भी कहा जाता है. And it is also divided into positive, negative and interrogative. For positive, we have to write subject plus verb की second form and then complement. For negative, हमें क्या करना है? Subject के साथ did लगाना है, not लगाना है और verb की first form लगेगी और फिर complement. Interrogative में क्या होगा? Did लगाना है, subject लगाना है, not लिखना है, verb की first form आएगी and then complement. And again से question word आएगा, did आएगा, subject आएगा, not आएगा and verb की first form and complement. Simple past tense is used. कहाँ पे use किया जाता है? To indicate an action completed in the past. कोई ऐसी चीज़, कोई ऐसा काम जो पहले हो चुका है, तो उसके लिए हम इंडिकेट करते हैं, हम यूज़ करते हैं सिंपल पास्ट टेंस. फॉर एग्जांपल, शी स्टडीड हार्ड, उसने पढ़ाई की थी बहुत मेहनत से. एन इवेंट हैज़ हैपेंड एट अ पर्टिकुलर टाइम इन द पास्ट. एक कोई भी काम है जो पहले हो चुका है. वी अराइव्ड होम बिफोर डार्क, हम रात होने से पहले घर आ चुके थे. द फिल्म स्टार्टेड एट 11:30, फिल्म स्टार्ट हो चुकी है. Something that would happen to a lot in the past. कोई ऐसी चीज़ जो बार बार होती है past में. They would often visit the library. वो ऐसा करेंगे. Sometimes they had something that happens several time in the past. कोई ऐसी चीज़ जो कई बार हो चुकी हो past में. Most evenings we stayed at home. ज़्यादातर होता है शाम को हम घर पे ही रहते. When we express some past habit, जब हम किसी भी past habit के बारे में बात करते हैं, we often use words like usually, always, never, often, sometimes, generally, with the simple past tense. तो इन words को हम simple past tense के साथ use करते हैं. Now let's move on to B exercise. Here we have to choose the correct option. Paul dashed in the sea last holidays. Swam, swimmed. So swam. क्योंकि swim का past form होता है swam. Mary dashed some socks in the shopping center. So drank, bought, danced. So Mary bought some socks in the shopping center. Peter dashed a beautiful picture in his school. So drew. So drew will come here. So similarly, children, complete these questions that are given here. Next is exercise number C. Write the simple past form of the given verbs below. तो यहाँ पे कुछ verbs दिए गए हैं, हमें इनके simple past form लिखने हैं. So meet का हो जाएगा met, go का हो जाएगा went, collect का हो जाएगा collected, paint painted, drive drove, invent invented. So sleep, slept. So these are a few past forms, children. The rest you have to write yourself. Next is simple future or future indefinite tense.
तो सिंपल फ्यूचर को हम फ्यूचर इंडेफिनाइट टेंस भी कहते हैं. इट इज़ ऑल्सो डिवाइडेड इंटू थ्री पार्ट्स, पॉजिटिव, नेगेटिव एंड इंटरोगेटिव. पॉजिटिव में क्या होता है, सब्जेक्ट आता है, फिर विल आता है, प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म एंड देन कॉम्प्लीमेंट. जब हम नेगेटिव सेंटेंस की बात करते हैं तो सब्जेक्ट आता है, सब्जेक्ट के साथ विल आएगा, प्लस नॉट, प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, प्लस कॉम्प्लीमेंट. इंटरोगेटिव सेंटेंस में जहाँ क्वेश्चन पूछा जा रहा है वहाँ पे हम लिखेंगे विल प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एंड देन कॉम्प्लीमेंट. दूसरा है क्वेश्चन वर्ड प्लस विल प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एंड देन कॉम्प्लीमेंट. नाउ चिल्ड्रन लेट्स लर्न सिंपल फ्यूचर टेंस इज यूज, कहाँ पे इसे यूज किया जाता है. फर्स्ट इज टू एक्सप्रेस एन एक्शन और इवेंट दैट इज येट टू टेक प्लेस. ऐसी एक्शन को एक्सप्रेस करना जो अभी होने वाला है, विच और विथ और विदाउट अ टाइम एक्सप्रेशन. दे विल हेल्प अस इन कंप्लीटिंग द कंस्ट्रक्शन ऑफ दिस बिल्डिंग, वो हेल्प करेंगे हमारी. टू एक्सप्रेस द स्पीकर्स ओपिनियन और अजम्पशन अबाउट फ्यूचर, स्पीकर के ओपिनियन या फिर अजम्पशन को एक्सप्रेस करने के लिए भी हम यूज करते हैं इन्हें, जो फ्यूचर के बारे में हो. परहैप्स वी शैल फाइंड एन इफेक्टिव सोल्यूशन टू दिस प्रॉब्लम. थर्ड इज द टेंस इज ऑल्सो फॉर्म्ड बाई यूजिंग द फ्रेज गोइंग टू. ये जो टेंस है इसे फॉर्म किया जाता है गोइंग टू वर्ड यूज करके भी. इट इज गोइंग टू रेन इन द इवनिंग, तो ये भी फ्यूचर के बारे में हमें बता रहा है. सिंपल फ्यूचर टेंस आर यूज फॉर प्रिडिक्टिव एंड प्रिडिक्शन एंड एक्सपेक्टेशन. सिंपल फ्यूचर टेंस हम प्रिडिक्शन और एक्सपेक्टेशन के लिए यूज करते हैं. वी शैल इंजॉय द ट्रिप, सो हमें ट्रिप को इंजॉय करना चाहिए. सो चिल्ड्रेन लेट्स मूव ऑन टू डी एक्सरसाइज. हियर चेंज द फॉलोइंग सेंटेंसेस इनटू नेगेटिव, हमें नेगेटिव में इन सेंटेंसेस को चेंज करना है. वी शैल गो टू द मीटिंग, वी शैल नॉट गो टू द मीटिंग, ही विल कम बैक फॉर डिनर, ही विल नॉट कम बैक फॉर डिनर. सो सिमिलरली कंप्लीट दीज क्वेश्चंस. नाउ लेट्स मूव ऑन टू ई एक्सरसाइज. कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंसेज यूजिंग द वर्ब इन द ब्रैकेट इन द सिंपल फ्यूचर टेंस. तो सिंपल फ्यूचर टेंस में वी हैव टू कंप्लीट दिस ई एक्सरसाइज. आई नॉट स्लीप अंटिल आई हैव अ ग्लास ऑफ मिल्क. सो क्या आएगा, विल लगा देंगे. आई विल नॉट स्लीप अंटिल आई हैव अ ग्लास ऑफ मिल्क. सेकेंड वन, आई एम श्योर दैट आई सक्सीड इन माई प्लान्स. सो हियर वी विल राइट आई विल सक्सीड इन माई प्लान. So do these three questions on your own. Now let's move on to F exercise. Fill in the blanks according to the instructions. अब जो यहाँ पे आपको देखिए, first में instruction क्या, simple future tense लिखना है of do. Do का simple future tense लिखना हमें. So Shyam will not do anything without his father's permission. तो यहाँ पे हम लिखेंगे will and do. सेकेंड वन, हमें क्या करना है, सिंपल प्रेजेंट लिखना है ड्रिंक का और सिंपल फ्यूचर लिखना है ईट का. सो शी ड्रिंक्स, ड्रिंक का बन जाएगा ड्रिंक्स, शी के साथ ड्रिंक्स आएगा. शी ड्रिंक्स ओनली ए ग्लास ऑफ मिल्क एवरी मॉर्निंग, हाउएवर फ्रॉम टुमारो शी, अ फ्यूचर टेंस लिखना है ईट का, तो ईट का फ्यूचर टेंस हो जाएगा विल ईट. She will, however, from tomorrow she will eat an apple. Next, third one. अब हम यहाँ क्या करना है, सिंपल पास्ट लिखना है रीड का एंड रिजॉल्व का. I read the news with interest and resolve to learn more about election. सो चिल्ड्रेन हमें यहाँ क्या करना, हमें रीड का सिंपल पास्ट लिखना है. सो रीड का जो सिंपल पास्ट है वो सेम होता है जैसा हम प्रेजेंट में लिखते हैं. सो यो आई रीड द न्यूज
विथ इंटरेस्ट एंड रिजॉल्व का हो जाएगा रिजॉल्व एंड रिजॉल्व टू लर्न मोर अबाउट इलेक्शंस. सो लाइक दिस चिल्ड्रन रीड द क्लूज दैट आर गिवन हियर एंड फिल इन द ब्लैंक्स. नाउ लेट्स मूव ऑन टू जी एक्सरसाइज री राइट द पैराग्राफ इन सिंपल पास्ट टेंस. सिंपल पास्ट टेंस में हमें यह पैराग्राफ लिखना है. आई लिव इन अ स्मॉल अपार्टमेंट इन न्यू दिल्ली. तो लिव बन जाएगा लिव्ड LIVED. I lived in a small apartment in New Delhi. I travel का बन जाएगा traveled. I travel by metro to the suburbs every day. I cook my own meals. I cooked. So children, like this, transform the paragraph into simple past tense. So children, I hope that you have understood this chapter. You have to complete the given work. And I'll be meeting you soon with a new video. Till then, stay related and thanks for watching.